गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हमारा चैप्टर 5 चल रहा था, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो अभी तक हमने पढ़ा कि कितने टाइप्स हैं नेचुरल वेजिटेशन के, फॉरेस्ट के। अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल का मीनिंग कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया था, ये जो हमारी अर्थ है ये आपका 0 डिग्री लेटिट्यूड, और उसके बाद फिर यहाँ देखिए 23 एंड हाफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि इन दोनों ट्रॉपिक्स के नियर जो भी प्लेस है उसको ट्रॉपिकल बोला गया है। अब आता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। एवरग्रीन क्या होता है? एवरग्रीन वो होता है कि जो हर समय हरा भरा रहता हो, यानी कि इनके पत्ते कभी नहीं सूखते, कभी नहीं गिरते, ये हरे भरे रहते हैं, इसलिए इनको ट्रॉपिकल तो इनका प्लेस की वजह से बोलते हैं कि ट्रॉपिक्स के नज़दीक हैं। एवरग्रीन ये हमेशा हरे भरे रहते हैं तो इसलिए इनको कहा जाता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो इसमें आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि वहाँ पर रेनफॉल कितना है, हैवी रेनफॉल होता है, या फिर वो कौन सी जगह है जहाँ पर ये मिलते हैं हमें, और उसके बाद हम यहाँ पर कौन कौन से ट्रीज़ जो हैं वो यहाँ पर होते हैं। ये तीन चीज़ें आपको मेन इसमें याद रखनी है। देखिए, हैवी रेनफॉल होती है कहाँ कहाँ पर? वेस्टर्न घाट्स एंड द आइलैंड ऑफ ग्रुप्स ऑफ लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, अपर पार्ट्स ऑफ आसाम एंड तमिलनाडु कोस्ट। दे आर एट देयर बेस्ट इन एरियाज हैविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। तो यहाँ पर रेनफॉल देखिए 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल यहाँ पर होती है, और जो ट्रीज होती हैं उनकी हाइट देखिए 60 मीटर और इससे ज़्यादा होती है। उसके बाद यहाँ पर ट्रीज़, श्रब्स, क्रीपर्स, काफ़ी सारी यहाँ पर वेजिटेशन जो है वो यहाँ पर मिलती हैं। देर इज़ नो डेफिनेट टाइम फॉर ट्रीज टू शेड देयर लीव्स, और कोई टाइम फिक्स नहीं है, यहाँ पर कोई भी टाइम फिक्स नहीं है कि वो कब अपना अपने पत्ते जो हैं वो शेड करेंगे, गिराएंगे। हम नॉर्मली हम देखते हैं कि हमारे यहाँ एक पतझड़ का मौसम होता है कि जिसमें पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, और इस तरह से ये जो पूरा साल हैं ये हरे भरे दिखाई देते हैं, इसलिए इनको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। चलिए अब हम थोड़ा सा चलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। जो ग्रीन एरिया है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ये देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर रेनफॉल कितना है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा है। ये कभी इनका कोई फिक्स टाइम नहीं है पूरे साल के अंदर ये कब अपने लीव्स को शेड करेंगे या अपनी पत्तियों को गिराएंगे। पूरा साल ये हरे भरे रहते हैं। इनके प्लेसेस, स्टेट्स आपने देख लिए हैं। उसके बाद अगर हमसे कोई पूछे कि ट्रीज़ की जो हाइट है वो कितनी होती है, तो आपने पढ़ा कि 60 मीटर्स, जनरली 60 मीटर्स वहाँ पर हाइट है ट्रीज़ की, लेकिन इससे ज़्यादा भी होती हैं। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे कमर्शियली इम्पोर्टेंट ट्रीज़ यहाँ पर कुछ हैं, जैसे इबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर, सिंकोना। अब यहाँ पर एनिमल्स कौन कौन से हैं? एलिफेंट, मंकी, लेमूर, डियर। वन ऑन राइनोसरस आर फाउंड इन द जंगल्स ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल। और इसके बाद प्लेंटी ऑफ बर्ड्स, बैट्स, स्लोथ, स्कॉर्पियंस एंड स्नेल्स आर आल्सो फाउंड इन दीज जंगल्स। तो इस तरह से आप देखते हैं कि हमें वहाँ पर वाइल्ड लाइफ कौन कौन से मिलेंगे, कौन कौन से एनिमल्स वहाँ पर मिलते हैं, कौन कौन से ट्रीज़ उस फॉरेस्ट में मिलेंगे, रेनफॉल कितना है और कौन कौन से स्टेट्स हैं, हमें यही चीज़ें याद रखनी हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट्स। तो ट्रॉपिकल आपको पता है जो ट्रॉपिक्स के नियर हैं, डेसीडियस मीन्स जो अपनी पत्तियों को एक स्पेशल टाइम आता है साल के अंदर कि जब सभी पेड़ पौधे अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। तो ये समर के अंदर होता है, ड्राई समर, जब कोई रेनफॉल नहीं होती है, तो इस तरह से इनको ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट कहा जाता है। तो मोस्टली ये इंडिया के हर एक पार्ट में है, ज़्यादातर यही ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं इंडिया के अंदर।
और इनकी जो रेनफॉल है, देखिए पहले हमने पढ़ा 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है, अब यहाँ पर है 200 सेंटीमीटर से लेकर 70 सेंटीमीटर तक, यानी कम से कम 70 सेंटीमीटर है और मैक्सिमम 200 सेंटीमीटर है। उसके बाद 6 to 8 वीक्स जो है यहाँ पर ड्राई समर होती है, जब ये अपने पत्तियाँ गिरा देती हैं। उसके बाद वाटर की अवेलेबिलिटी को लेकर ये फॉरेस्ट भी टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिए गए हैं, एक तो मॉइस्ट है एंड ड्राई डेसिडियस। और इनके नज़दीक लगता जो एरिया है जहाँ पर रेनफॉल 200 से 100 सेंटीमीटर तक होती है, दीज फॉरेस्ट एग्जिस्ट मोस्टली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अलॉन्ग द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज, झारखंड, वेस्ट ओडिशा एंड छत्तीसगढ़ एंड ऑन द ईस्टर्न स्लॉप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। टीक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पीसीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। टीक पेड़ का नाम है, बेम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन एंड मलबेरी आर अदर कमर्शियली इम्पोर्टेंट स्पीसीज। तो ये आपने पढ़ा मॉइस्ट, जो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है। अब आता है ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में, अब जहाँ पर रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से 17 सेंटीमीटर तक है, और ये पेनिनसुला प्लेट्यू, प्लेन्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश, वहाँ पर ये पाए जाते हैं, और यहाँ पर टीक, साल, पीपल, नीम उगते हैं, और इसका एक बहुत बड़ा पार्ट कल्टीवेशन के लिए क्लियर कर दिया गया और कुछ ग्रेजिंग के लिए यूज किया जाता है। और इन फॉरेस्ट में कॉमनली लॉयन, टाइगर, पिग, डियर, एलिफेंट, बर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, टॉर्टेजेस यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये आपने दो पढ़े, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। अब आते हैं द थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। जहाँ पर रेनफॉल 70 सेंटीमीटर से कम होती है वहाँ पर थॉर्नी ट्रीज मिलते हैं आपको, बशेज मिलते हैं, और ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स जो कंट्री है उनमें पाई जाती है, सेमी एरिड एरियाज ऑफ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, एकेसियाज, पाम्स, यूफोर्बियाज एंड कैक्टी आर द मेन प्लांट स्पीसीज। और यहाँ पर ये प्लांट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। दीज आर स्कैटर्ड, स्कैटर्ड होता है कि बहुत दूर होना, यानी कि बिखरे हुए होना, और इनकी लॉन्ग रूट्स होती हैं। लॉन्ग रूट्स मीन्स वो अंदर से लैंड के, अर्थ के अंदर से, लैंड के अंदर से जो है वो मॉइस्चर्स को गेट करती हैं। उसके बाद लीव जो इनके होते हैं मोस्टली थिक होते हैं एंड स्मॉल टू मिनिमाइज एवेपोरेशन, और एवेपोरेशन बहुत कम होता है। और यहाँ पर जो अगर हम देखें एनिमल्स कौन कौन से हैं, रैट्स, माइस, रैबिट्स, फॉक्स, वॉल्फ, टाइगर, लॉयन, वाइल्ड एस, हॉर्सेस एंड कैमल्स, तो इस तरह से हमने 3 टाइप्स के जो फॉरेस्ट हैं वो पढ़े। बाकी नेक्स्ट डे।